Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. कि आप सब यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में एकत्रित हुए और मैं मंच पे बैठा बैठा सोच रहा था कि आज जो उत्साह आप सब लोगों में दिखा, इतना ही उत्साह थोड़ा सा और हम जोर लगाते तो अजमेर जिले में, अजमेर शहर में हमारे विधानसभा में दो चार प्रतिनिधि बढ़ जाते। दुर्भाग्यवश हम सिर्फ दो सीटों पे जीत सके, लेकिन आज इस पार्टी के कार्यक्रम में आने पर मुझे बहुत खुशी है, फख्र है, गर्व है कि तमाम साथी एक मंच पर आकर एक ऐसे कार्यक्रम में शरीक हुए जिसमें सबका योगदान है। जिन लोगों का नाम मैंने पढ़ा, उसके अलावा भी जिन सब लोगों ने योगदान दिया, मूर्ति का अनावरण हो, पार्टी का कोई कार्यक्रम हो, लेकिन जिस भी योजना को, जिस भी कार्यक्रम को हम सब लोग मिलकर करते हैं, हमेशा वो कार्यक्रम कामयाब होता है। और आज इंदिरा जी को हम लोग याद कर रहे हैं। साथियों, मैं तो बहुत कम उम्र का था जब इंदिरा जी का देहांत हुआ, उनकी हत्या हुई, लेकिन जब वो 1980 में चुनाव चल रहे थे, कांग्रेस सत्ता के बाहर थी, उस समय स्वर्गीय पायलट साहब एयरफोर्स में लड़ाकू विमान चलाते थे, और वो पहली बार जब इंदिरा गांधी से मिलने गए और इंदिरा जी को कहा कि मैं स्क्वाड्रन लीडर हूं इंडियन एयरफोर्स में और मुझे चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने पूछा किस बात का चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा लोकसभा का चुनाव लड़ना है। लोकसभा का चुनाव लड़ना है, आप एक नौजवान व्यक्ति हो, फौज में अच्छी नौकरी कर रहे हो, ये राजनीति हरे की बस की बात नहीं है। और कहाँ से लड़ना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ लड़ना चाहता हूँ मैं। चौधरी चरण सिंह उस टाइम प्रधानमंत्री थे, तो उस समय उन्होंने देखा और ये इस बात को समझा कि समय के बदलते बदलते हमें अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। और उस समय जब कांग्रेस की लहर थी, बहुत से बड़े बड़े नेता शायद कतार में होंगे, उस समय स्वर्गीय संजय गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने एक नौजवान व्यक्ति को लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात रखी। आप कल्पना करो, आज से 40 साल पहले जब एक नेत्री इस बात को पहचान लेती है, समझ लेती है कि इस व्यक्ति में जज्बा है, हिम्मत कर एक नौकरी छोड़ने के लिए, सरकारी नौकरी छोड़ना आसान बात नहीं है, और आज से 40 साल पहले जिस परिप्रेक्ष्य में मेरे स्वर्गीय पिताजी ने जन्म लिया था, घर में पिता की मौत हो गई, कम जमीन थी, कैसे कैसे खेती कर दूध बेचकर अपने आप को पाला, बहनों की शादी करी, और फिर एक अच्छी नौकरी करते वक्त ये हिम्मत रखना कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को जाकर बोलो कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और लोकसभा का लड़ना चाहता हूँ, उस नौजवान व्यक्ति के जज्बे को समझकर उस समय 40 साल पहले इंदिरा जी ने चुनाव लड़ने की बात रखी, और स्वर्गीय पायलट साहब पहली बार चुनाव लड़े 1980 में भरतपुर में। और ये पूरी, और ये मैं कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी को ये समझना बहुत जरूरी है कि समय के बदलाव में हम सबको समझना पड़ेगा कि समाज की वास्तविकता क्या है। आज हिंदुस्तान पहले से कहीं ज़्यादा नौजवान देश है, देश प्रदेश है। अभी राहुल गांधी जी आए थे जयपुर में 28 तारीख को, वहां पर भी मैंने कहा था कि मुझे आज से 6 साल पहले कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली थी, कांग्रेस पार्टी ने कहा आप जाके अध्यक्ष बनकर वहां पार्टी को जिंदा करिए, और आप सब लोगों का आशीर्वाद है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब 2004 में, तो ये बात थी इंदिरा जी वाली, अब मैं बताता हूं आपको, जब सोनिया गांधी अध्यक्ष थी 2004 में मेरा लोकसभा क्षेत्र दौसा आरक्षित हो गया, तो सोनिया गांधी से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि सचिन अब आप चुनाव कहाँ से लड़ना चाहते हैं। तो मैंने उनको उस समय कहा, मैंने कहा मैडम मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ अजमेर से। तो उन्होंने, तो अब वो, उनके पास पूरी किताब थी अजमेर राजस्थान की, तो पन्ना पलटा होगा, उन्होंने कहा भाई यहाँ कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर यहाँ 1985 के बाद एक आध बार मेखर प्रभारी चले गए, उनको एक बार वो जीती थी और बाकी जीत नहीं सके थे।
तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैं एक बार संसद में जा चुका हूँ, मुझे भगवान का आशीर्वाद है और 2009 का चुनाव मेरा मन कहता है कि मैं मेरे से लड़ना चाहता हूँ, मुझे लड़ने दो। उस समय भी जिस तरह इंदिरा जी ने कहा था पायलट साहब को कि अभी अच्छी नौकरी है, दो छोटे बच्चे हैं, घर जाके सोच लो क्या करना है, तो मुझे सोनिया जी ने कहा कि सचिन जल्दबाजी मत करो, अभी टाइम है, तुम फिर सोच लो। और दो चार क्षेत्रों के नाम मुझे उन्होंने बताए, मैंने कहा मैं तो वहाँ मेरा मन कर गया, अब चाहे कुछ हो मैं तो अजमेर से लड़ूंगा। 2009 का चुनाव मैंने यहाँ से लड़ा और आप सबके साथ का संबंध तब से है, पहले से था लेकिन एक राजनीतिक संबंध जो बना। और कौन कह रहे थे मेरे को बना, आप कह रहे थे, महेंद्र जी कह रहे थे कि मेहमान बन के आते हैं, ये कौन कह रहा था, कहाँ पारिक, अब ये पारिक साहब को बोल देना कि इस बात को वापस ले लें, कोई मेहमान वेहमान की बात नहीं है। पारिक साहब को तो कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है और एक जमीनी कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया, और पार्टी टिकट दे सकती है, टिकट तो हमने 200 दिए हैं लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए उनको आपने जिताकर विधानसभा भेजा, हमारे साथ जयपुर बैठते हैं, और ना सिर्फ मसूदा की लेकिन पूरे अजमेर ज़िले की, उनको जितना हो सकता है वो हमारे पीछे पड़कर यहाँ पर बजट प्रोग्राम कार्यक्रम हमेशा करवाते रहते हैं, लेकिन ये इनकी एक बात है, इनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा वापस ले लो, मैं कोई मेहमान वेहमान नहीं हूँ। और अजमेर से सांसद बनने के बाद मैं केंद्रीय मंत्री बना, और यहाँ से जब 2014 में अपन लोग नहीं जीत पाए, उस समय भी मुझे प्रदेश में अध्यक्ष बनाकर भेजा, आज मैं सरकार में काम कर रहा हूँ। लेकिन इंदिरा जी हों चाहे सोनिया गांधी जी हों, हर समय हमारी कोशिश रही, मुझे भी आज अध्यक्ष बने 6 साल हो गए, मेरी भी कोशिश रही कि विधानसभा हो, लोकसभा हो, जिला परिषद हो, हर जगह नौजवान लोगों को मौका दिया जाए, और मेरे अध्यक्ष रहते ही अगर नौजवान लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो फिर मेरा अध्यक्ष बनने का भी कोई फायदा नहीं है। और ये बात मैंने राहुल जी के सामने भी कही थी, मैंने कहा आज हम सरकार में हैं राजस्थान में और 160 सीटें बीजेपी की आई थी जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी थी, अपन लोग 21 पे रह गए थे, जब हम 21 पे रह गए थे तो बहुत लोगों ने कहा कि अब कांग्रेस तो यहाँ 10-15 साल के लिए गई, लेकिन ये आप सबकी मेहनत है कि हम लोगों ने 5 साल तक सड़कों पर संघर्ष किया और आज जो सरकार बनी है राजस्थान में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस प्रदेश के नौजवानों के कंधों के ऊपर चढ़कर हम सत्ता में पहुंचे हैं। और मैं आप सब लोगों से वादा करना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारी सरकार को साल हो गया, अभी नया बजट भी हमारा आने वाला है, और अभी यहां कुछ साथी दिख रहे थे पट्टों की बात कर रहे थे, बहुत जल्द हम लोग प्रशासन शहरों के संग शुरू करेंगे, उसमें पट्टा आवंटन भी होगा और शहर की तमाम जो आपकी दिक्कत समस्याएँ हैं उसका हम निराकरण करने जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि महकमा मेरे पास है, हमारी कोशिश रहती है कि आवास योजना हो, शौचालय की योजना हो, नरेगा की योजना हो, ग्रामीण विकास की हो, हमने पूरे प्रदेश में सभी पंचायतों के अंदर 5-5 काम अनिवार्य रूप से करने को कहा, चाहे वो अभी आप पंचायत सहायकों के लिए इनसे पूछिए खड़े हैं, जो पहले मामला लटका हुआ था उसका हमने चालू करा दिया, अब ये संविदा कर्मियों वाला मामला बीडी कल्ला जी के पास है और मुझे लगता है कि सरकार की सब कमेटी बनी हुई है, शांति से भाषण सुन लो। और सभी संविदा कर्मी ये हमारी मैनिफेस्टो में है, ये कोई नई बात नहीं है, और ये वो सब लोग हैं जिन लोगों का हम लोगों ने बड़ी मेहनत से वित्त विभाग से आपके 200 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए ताकि आप लोगों को अगले साल का काम चलता रहे, बहुत जल्द इसका भी कोई स्थायी निर्णय निकलने वाला है। लेकिन आज मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जब सुबह सुबह उदयपुर से निकल रहा था तो मैंने एक दो दवाई खाई, मेरा बुखार चढ़ गया था, लेकिन अभी आप देख रहे हो आप लोगों के साथ बैठकर वो गर्मी जोश आया है, पसीना निकल गया, बुखार भी ख़त्म हो गया मेरे को अभी। लेकिन हमेशा इस ज़िले में सब लोगों ने, और देखो साथियों मुझे कहने में कोई डर नहीं है कि 5 उंगली बराबर नहीं होती, तो सब कार्यकर्ता सब नेता सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन पूरे अजमेर शहर अजमेर ज़िले ने जितनी ताकत जितना संबल जितना आशीर्वाद जितना सहयोग मुझे दिया है, मैं आप लोगों का आज भी कायल हूँ और जीवन भर कायल रहूँगा, चाहे इसमें कोई कुछ भी कर ले, हम सत्ता में भी रहे विपक्ष में भी रहे, आज मैं सरकार में हूँ,
पहले केंद्र में था, लेकिन अजमेर के लोगों का जो एक परछाई है वो हमेशा मेरे लिए एक बहुत बड़ी ताकत मुझे मिलती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जिस जोश में आज आप लोग आए हो, और ये तो अजमेर की अब परिपाटी हो गई है, कुछ लोग यहाँ से चढ़ेंगे, कुछ लोग वहाँ से चढ़ेंगे और बीच में फिर आपस में, तो मैं हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय दोनों को बताना चाहता हूँ कि थोड़ी व्यवस्था को हम बेहतर कर लें तो आराम से सबसे मुलाकात भी हो जाए, आदर सत्कार भी हो जाए। लेकिन ये आप लोगों का जोश है, और मैंने कहा ना कि ये थोड़ा जोश इतना दिख जाता पहले ही तो हमारे विधायक दो चार और चले जाते जयपुर में अजमेर से, लेकिन अब नगर निगम के चुनाव आएंगे, पंचायतों के चुनाव आएंगे, उसमें जोश को बरकरार रखें। आपके लिए आपका एक प्रतिनिधि हमेशा जयपुर में बैठा है, 2400 घंटे आपके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, और अजमेर शहर के लोगों से, अजमेर जिले के लोगों से मैं वादा करना चाहता हूँ कि कैसी भी कोई भी परिस्थिति हो, आप लोगों की हर संभव मदद और सहायता करने के लिए जैसे पहले मैं तैयार था उससे दुगनी ताकत, अब तो ताकत पहले से ज़्यादा आ गई नहीं, पहले तो आप लोग हमारी ताकत थे, हमारी कलम में ताकत है, और हमारी सरकार में हम कोशिश करेंगे इस बजट में, क्योंकि जो हमने जन घोषणा करी है, जो हम लोगों ने वादा किया है कि जीरो टॉलरेंस रहेगी करप्शन को लेकर, हमने वादा किया है कि गरीब नौजवान बेरोजगार शहर गांव हर व्यक्ति को पूरी ताकत और मदद देने का काम सरकार करने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि 20 तारीख को बजट आएगा, उसमें आप सब लोगों के सभी अरमान पूरे करने के लिए हम काम करेंगे। आज इस मुबारक मौके पर इंदिरा जी के इस मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में आप सब शामिल हुए, और मैं कहता हूँ ये घड़ियाँ पहले लिखी होती हैं, बहुत बार योजना बनी, मैंने खुद कई बार प्रोग्राम बनाए लेकिन कोई कारणवश बन नहीं पाया। आज आप सब लोगों के सामने, आप सब लोगों की मौजूदगी में इस शुभ काम को हम करने जा रहे हैं, इसलिए आप सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, और इतनी प्रार्थना हाथ जोड़ के कर रहा हूं आप लोगों से, आपका ये जो स्नेह और सानिध्य है राजनीतिक जीवन में, पद नाम शौहरत ये सब आती जाती रहती है, लेकिन आपका ये स्नेह और सानिध्य मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी अमानत है, इसलिए कृपा करके इसको बनाए रखो और अपना आशीर्वाद देते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।